अटल टनल तो बहुत बार गए होंगे आप। आज मैं लेके जाता हूँ आपको शिप के टनल में। मॉर्निंग वॉच में सनराइज को फील किया, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे जाना था वेंटिलेशन फ्लैप चेक करने कि वो ओपन है या नहीं। एनक्लोज स्पेस परमिट भरने के बाद कैबिन आया, चेंज किया और गैस मीटर लेके निकल गए फॉरवर्ड। ब्रेकफास्ट में आज भी बुर्जी थी तो बता के कुछ फायदा नहीं है। पाइप टनल शिप के आगे वाले हिस्से से लेके पीछे वाले हिस्से तक एक लंबी सुरंग होती है जिसमें पाइपलाइंस, केबल और सेंसर लगे होते हैं। तो हमें एंट्री करनी थी फॉरवर्ड से, जिसका एंट्रेंस इमरजेंसी फायर पंप रूम में था जो कि 3 स्टोरी नीचे था। अंदर जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया और हर हर महादेव बोल के निकल गए। अंदर खराब लाइट चेंज की, इंस्पेक्ट किया और लंच करने चले गए। लंच करके वापस आए तो इस बार एंट्री हमने ली इंजन रूम से। तभी पता चला इधर तो ट्रॉली है जिसमें हम बैठ के आराम से आगे पीछे हो सकते हैं। घुसने से पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया और चले गए अंदर। अंदर सारा इंस्पेक्शन करने के बाद और लाइट चेंज करने के बाद हम निकल गए बाहर। डिनर करके शाम को वॉच पर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी याद आया कल तो चीफ का बर्थडे है, तो इसका मतलब कल कटेगा चीफ का, मेरा मतलब केक। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे।